सब गाइस, कैसे हाल चाल? आपका स्वागत है मेरे चैनल रेथ फैमिली व्लॉग्स में। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। आज मैं आपको सैर करा रहा हूँ अपने नानके गांव, ननिहाल गांव, ननकाना पिंड, सतनौर बड़े सरोदी। सतनौर पिंड है जी, ये बड़े सरो थोड़ा पल्ले पासे पैंदा जी रोड दे, गढ़ शंकर तो जो हुशियारपुर वाल जाइदा सी, ते राइट हैंड साइड से सतनौर पैंदा, उस तो पहला लैफ्ट साइड से बड़े सरो पैंदा, ते असीं राइट हैंड साइड च है जी। तो पिंड बड़ा सोहना, हरियाली भरिया पिंड, पिंड की खासियत है जी, इस पिंड मैक्सिमम लोग बाहर गए ने जी, कनेडा अमरीका जिदा हर पंजाब के पिंड च हुंदा ही है जी। तो दुआबे सूबे च ये पिंड पैंदा है, बड़े सोहने सोहने मकान, बड़ी बड़ी कोठियां मिलनगी सानू इत्थे, क्योंकि सारे अमरीका कनेडा वाले इत्थे हैगे जी। तो ये जिहड़े असीं इस रस्ते जा रहे, ये रस्ता खेतों के दुआले हुंदा सी पहला, हुण इस खेतों के विच सारे लोगों ने पिंड तो बाहर आके मकान बना लिए जी, बड़े सोहने सोहने मकान बना लिए। हुण जिदे जिदे असीं अगे वधांगे, सब तो पहला पिंड दे स्टार्टिंग दे विच ही आएगा जी एक सरकारी स्कूल, लैफ्ट हैंड साइड से सामने नीलियां जी टंकियां दिख रही है सानू, वो सरकारी स्कूल है। इस स्कूल च मेरी मम्मी ने, मेरी माता जी ने पहली जमात कीती सी पूरी, ते पिंड दी शुरुआत स्कूल तो होंदी जी। और ते हुण असीं इस आह स्कूल है जी, प्राइमरी बड़ा वधिया स्कूल है, देखो देखो जी। ते आह बड़ी उच्ची जी कोठी दिख रही, ये भी किसी अमरीका कनेडा वाले की कोठी, अमरीका वाले दी, क्योंकि पहला इस पिंड च ना बड़े लोग अमरीका बो गए सी जी, तो उन्होंने बड़ा ही पैसा मोटा कमाया, तो बड़ी बड़ी कोठियां पा के चले गए जी। इस पिंड बड़ी बड़ी कोठियां होना एक आम गल है। तो हम जिते जिते पिंड के अंदर बढ़ रहे, तो पिंड साड़ा मिलाप पाएगा जी सत्त दे नाल। आ जिहड़ा देख रहे हो पीपल का पेड़ है, थले सत्त है जी, तो वह पिछे एक टोबा है जिदा छप्पड़ जहाँ हों, पिंड हों टोबा जिसे मंजा मंजा नहाँदियाँ जी। तो वह सामने दो मुंडे मोबाइल लेके बैठे सत्ते, हम बुढ़े बड़े तो है नहीं, खैर बुढ़े मुझे बैठे नहीं है। तो पिंड च आ जी, आ देखो जी एक मंदिर भी है, बड़े ही सुहागे की गल, साढ़े पिंड दो गुरुद्वारे तो एक मंदिर भी हैगा। तो अगर जिदा जावे पिंड से गलियां बड़ी सोहनिया बना रखी है, तो टाइलों टूलों इंटरलॉकिंग वाली टाइल ला रखी हैं, नालियाँ सारी दबदियाँ, किसी टाइम इतने इटा की सड़क होंगी थी बड़ी खराब जी होंगी थी, पर हम बड़ी वधिया बना दी, गलियां भी चौड़ी लगन लग पी। खैर तो सामने एक होर कोठी देख रहे हो लैफ्ट साइड से, वो भी हाँ सब तो पहले इस गेट बारे दसदा, गेट जो घर ताला लगे ना, ये साढ़े पिंड नानकियां घर है, मेरे मम्मी जी के ताए होने का मकान है जी। तो हूँ जिधर मैं हूँ कैमरा घुमा रहा, गेट खुला जरा, यह मेरे नानके का मकान है जी, इन्होंने भी ढा के पूरा दुबारा बनाया, पहले इतने किले वगू मतलब मकान से बड़ा बड़ी मोटी दुबारा मकान से, तो हूँ इन्हें ढा के बड़ा सोहना ही मकान बना लिया। अगे पिंड सारे लोग ढा ढा के बनाई जाते हैं, तो अगे कोई पिंड का बंदा खड़े जी, तो अपना अगर जिदा जावे थोड़ी खुला जी एरिया, इतने ना खूह हों पहले वो सामने जी हरे रंग सफेदी देख रहे हो ना दुकान, आ जी इतने खूह हों पहले बंद करता, तो आ नीला गेट, नीले गेट वाला गुरुद्वारा जी, ये पहला गुरुद्वारा हरे पिंड से, तो थोड़ा अगे जाओगे ना वो निशासन झूल रहा है, वो दूजा गुरुद्वारा है। तो पिछे मैं थोड़ा फिर घुमा के सामना कैमरा, तो पिछे हैगा है वो सामने उच्चा जहाँ जो मकान है, उसके अपना नानके नौ जो टैला का मकान जो हूँ मैं बुखा रहा जो गेट खुला सी। तो अगे तुम देखोगे जो गुरुद्वारा इधर है ना, मैं दिखाता सामने जो इतने निशासन झूल रहा अला गुरुद्वारा, आ गुरुद्वारा साड़ी मम्मी की भूआ, एक मिनट को पहले वो तो पहले दस दिता जी थोड़ा, आ जरा राइट साइड जी दुकान जी डॉक्टर की, हाँ जी मैं की कह रहा जी, जो पिंड गुरुद्वारा सारे निशासन झूलता से, वो गुरुद्वारा साड़ी माता जी के भूआ जी ने जमीन दी थी, तो पिंड वाले ने इतने गुरुद्वारा बनवाया, क्योंकि उन्होंने इतने हिस्सा से इस पिंड बन जी का होंगे ही है, तो उन्होंने अपना हिस्सा लैके तो पिंड देता, ताकि पिंड वाले ने बाद इतने गुरुद्वारा बनाता, तो इसलिए दूजा गुरुद्वारा हो गया। यह गुरुद्वारा काफ़ी चंगे कामों में यूज होंगे, जिदा किसी का कोई छोटा मोटा काम काज हों, काज हों, कोई मकानी भोग हों, उसे वरत्या जाता है, तो सोहना गुरुद्वारा है, जिदा होंगे पिंड छोटा गुरुद्वारा जहाँ बड़ा भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक है गुरुद्वारा। तो आ साड़ा जी नानके का पिंड है, मैं इन्ना की दुखाया, तो जिन्होंने ये पसंद आया जी साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो, ये वीडियो लाइक करो, तो शेयर करो, तो सतनौर वाले जो है दुआबे के लोग है उन्होंने भी शेयर करो, ताकि अपने पिंड अज की डेट दे सकें। धन्यवाद, बाय बाय, अगे मिलेगी नए ब्लॉग।